उत्तर भारत में भारी बरसात की वजह से देश भर में मॉनसून सीजन की औसत बारिश तो बढ़ गई है, लेकिन अधिकतर खरीफ फसलों की खेती अब भी पिछड़ी हुई है। खासतौर से धान, दलहन और कपास का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। शुक्रवार दोपहर तक कृषि मंत्रालय के पास अपडेट हुए बुआई के आंकड़ों को देखें तो अब तक देश भर में खरीफ फसलों का रकबा 536 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। पिछले साल इस दौरान 560 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में फसल लग चुकी थी। अंशुमान सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस समय अगर हम देखें तो फसलवार स्थिति जो है, बुआई के आंकड़े क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं और वहां से क्या कुछ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? जिस बात की आशंका थी इस मानसून के साथ, वो लगभग अब सच होती दिखाई दे रही है। जुलाई के का लगभग आधा हिस्सा बीत रहा है और खरीफ की बुवाई दोनों तरह से पिछड़ी हुई है। उन इलाकों में भी पिछड़ी हुई है जहां पर मानसून का अगला चरण आता है, और उन इलाकों में भी पिछड़ी हुई जहां मानसून अपने पिछले चरण से बारिश करके निकल चुका है। सबसे ज्यादा चिंता जिस बुवाई को लेकर हो सकती है वो दलहन को लेकर है, क्योंकि दलहन का रकबा या दलहन की जो सोइंग है वो करीब करीब 10 लाख हेक्टेयर पिछड़ी हुई ऐसा दिखाई दे रहा है। धान, दलहन और कपास, ये तीन महत्वपूर्ण फसलें हैं जो खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण उपज है। अगर आप धान के रकबे में देखें तो धान के रकबे में पिछले साल की तुलना में काफी कमी है, दलहन में गिरावट है, और कपास जो कि जिसकी अर्ली सोइंग हो चुकी थी पंजाब के इलाकों में, वहां जो मानसून की बारिश हुई उसके बाद और ज्यादा बारिश हुई है, अतिवृष्टि है, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। इन तीनों का को अगर आप विपुल गौर से देखें तो भारत की जो महंगाई के आंकड़े हमें मिले थे ना, कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़े सीपीआई के, जो जिन पर हमने दो दिन पहले बात की थी, उन आंकड़ों में इसकी पूरी झलक दिखाई देती। यही वो दो तीन फसलें हैं, दलहन और धान की, अनाजों की, जिनमें महंगाई पहले से बनी हुई दिखाई देती है और पहले से बनी हुई थी। तिलहन को लेकर इतनी चिंता नहीं है क्योंकि तिलहन की बुआई पिछले साल से बेहतर दिखाई दे रही है।